बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम असीम तलबा, मेरा नाम मोहम्मद खलीद है, मैं उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा टॉपिक है ग्रामर। किसी जुबान को जानने के लिए कवायद का जानना ज़रूरी है, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, अंग्रेज़ी हो, इसी तरह। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फेले लाजिम, उसके बाद फेले मुतअद्दी, फेले आम और फेले नहीं, और उसके साथ आप मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे अरबी वाले। सबसे पहले फेले लाजिम। फेले लाजिम वो होता है जो सिर्फ फाइल को चाहे, बस उसके लिए फाइल होना जरूरी है। फाइल पाया गया तो उसका काम मुकम्मल हो गया। फर्ज करें बच्चा रोया, अब रोने वाला एक बच्चा है, फाइल है, फाइल कहते हैं काम करने वाले को। तो वो बच्चा आया, उसने रोया, बस कहते हैं फेले लाजिम मुकम्मल हो गया। इसी तरह कहते हैं तुम नहाए, अब एक शख्स आया, बहुत से लोग आए तो उन्होंने नहाया, तो आप कहते हैं नहाने वाला शख्स आ गया, बस काम मुकम्मल हो गया। कहते हैं फेले लाजिम ये वो फेल है जिसके साथ फाइल के मिलने से जुमला मुकम्मल हो जाए और पूरी बात समझ में आ जाए। मसलन बच्चा रोया, तुम नहाए। फेले मुतअद्दी, फेले मुतअद्दी वो है जो फाइल के अलावा मफूल को भी जाए। तीन चीजें होती हैं, फेल, फाइल, मफूल। फेल कहते हैं काम को, फाइल काम करने वाले को, मफूल जिस पर कोई काम बाकी हो। बस मैं हूँ तो मैं एक फाइल हूँ, काम करने वाला हूँ। जो मैं लिखूंगा ये मेरा फेल होगा और जिस चीज पर लिखूंगा वो मफूल होगी। तो कहते हैं फेले मुतअद्दी वो फेल है जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो। मसलन अकरम ने सूरह इखलास याद की, तो कहते हैं इस जुमले में याद की फेल है और अकरम फाइल है और सूरह इखलास मफूल है। फिर सुने कहते हैं फेले मुतअद्दी वो फेल है जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे। मिसाल के तौर पर अकरम ने सूरह इखलास याद की, तो कहते हैं इस जुमले में याद की जो है ये फेल है, ये जो नाम है अकरम ये फाइल है और जो सूरह इखलास जो याद की है ये क्या है, मफूल है। मफूल उसे कहते हैं जिस पर कोई काम बाकी हो। उस बारे में फेले अम्र, अम्र का मतलब होता है किसी को हुक्म देना, किसी को आदत देना। फर्ज करें पढ़ो, उस्ताद कहते हैं पढ़ो बच्चों, उसके बाद कहते हैं वालिदैन कहते हैं बच्चों खाना खाओ, खाओ तो कहते हैं पढ़ो खाओ। तो ये एक अम्र है, हुक्म देने के माने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो शख्स हुक्म देता है तो उसे फेले अम्र कहते हैं। कहते हैं ये वो फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे पढ़ो खाओ। उस बात है फेले नहीं। फेले नहीं का मतलब ये होता है किसी काम से रोकना, किसी काम से मना करना कि ये काम आपने नहीं करना। तो कहते हैं जिस तरह मिसाल है तू ना सुन, तू मत सुन। तो कहते हैं फेले नहीं वो फेल है जिसमें किसी काम के करने से रोका गया हो या मना किया गया हो। फेल नहीं ये वो फेल है जिसमें किसी काम के करने से रोका गया हो या मना किया गया हो। कहते हैं तू ना सुन, तू मत सुन। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का मुकम्मल है फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले अम्र, फेले नहीं। फेले लाजिम जो सिर्फ फाइल को जाता है, फेले मुतअद्दी जो फाइल के अलावा मफूल को भी जाता है, फेले अम्र जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, फेले नहीं जिससे किसी काम को रोका जाए। तो पहले जो आप देखिए मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, पेज नंबर 65 देखेंगे, ये इंसानों की तस्वीर और तालीम अरबी वाले देखेंगे, हम ये हल करते हैं। तो पेज नंबर 65 है खादिम खादिमा, जाहिद जाहिदा, जौज जौजा। फिर पेज नंबर 66 देखिए सुल्तान सुल्ताना, आलिम आलमा, शायर शायरा, अजीज अजीजा और ज़ाइन ज़ाइफा, मुतालिम मुतालिमा, तालिब तालिबा, ताहिर ताहिरा, आबिद आबिदा और वालिद वालिदा और वारिस वरसा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहले हमने फेल की कुछ किस्में पढ़ी हैं, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले आम, फेले नहीं। फेले लाजिम किसी काम के जो सिर्फ फाइल को चाहे, फेले मुतअद्दी जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे, फेले आम जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, फेले नहीं जिसमें किसी काम के करने से मना किया रोका जाए। फिर उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े हैं इंसान की अरबी असमान से, पेज पर हमने
65 भी पढ़ा है और उसके साथ 66 भी पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो मौजू था वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ ना आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ।